हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार रहा है, नीट 2023 F4 का सेट। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने एक्यूरेसी के साथ पूरी कोशिश करी है कि आपको मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करा सकूं। एनटीए से एक बार अपनी मार्किंग स्कीम को मैच ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बॉटनी सेक्शन ए, क्वेश्चन 101 टू 135। पहला क्वेश्चन है आपका 101। एमंग यूकेरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, हम लोग को पता है एस फेज में होता है, ये परफेक्ट है। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म द ब्लू कलर विद द आयोडीन बिकॉज इट इज हेलिकल। सबसे सेकेंड और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है, डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, नोटेड होगा आपको, एनसीईआरटी में गिवन है ये, हैंस कैन नॉट होल्ड द आयोडीन मॉलिक्यूल, सेकंड ऑप्शन परफेक्ट है। इन अ जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल्स मेड अप किसके बने हुए होते हैं? टंगस्टन एंड सिल्वर गोल्ड के बने हुए होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब, टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स, बिल्कुल सही। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन एक असर्शन और रीजन है आपका, आपको बताओ। लेड वुड हैज फ्यूअर जैलरी एलिमेंट विद द नैरो वेसल्स, द कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स, तो इसका ऑप्शन बना जाकर के दोनों सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एनटीए से भी एक बार मैच करते हुए चले आप लोग। द हिस्ट्री कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो एनसीईआरटी में गिवन है, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। आगे आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर होगा लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स के अंदर, तो आपको मालूम होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली एसएनआरएनए यहां पे गिवन है, वही वाला ऑप्शन आपका सही भी है। ओके, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सिलेजिनेला एंड सेल्वेनिया। द फोर्सेस स्टेटमेंट्स करेक्ट चूज करना है आपको। द फोर्सेज जनरेटेड बाई ट्रांसक्रिप्शन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम वाटर अप टू द 130 हाइट्स, सही है। द ट्रांसपायरेशनल कूल द लीव सरफेस एंड समटाइम्स 10 to 15 डिग्री बाय द एवोपरेटिंग कूलिंग, दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपके सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। द रिएक्शन सेंटर इन फोटो सिस्टम सेकेंड में हैज एब्जॉर्प्शन मैग्जिमा जो होता है वो 680 नैनोमीटर का होता है, आपको पता होना चाहिए। ये कई बार आया है मैंने, और शॉर्ट्स में भी ये बहुत बार करवाया है, आता भी है। द एविल क्वार्टेट इज वन ऑफ द कंसीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ड्राइविंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, है ना, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मायोसिस इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज सेकेंड, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स जुवेनाइल कॉनिफर्स हेल्प इन द हेजनिंग ऑफ मेच्योरिटी पीरियड दैट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, जिब्रेलिक एसिड, परफेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करिए। डेट्रीबोर परफॉर्म द फ्रेगमेंटेशन, ये करेक्ट है। द ह्यूमस फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग द मिनरलाइजेशन, ये सही है। वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम लीचिंग, ये भी सही है। तो ए बी सी फोर्थ वन इसका ऑप्शन सही बेटा, बाकी ये दोनों गलत हैं। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कौन सा तोड़ता है इसमें से? तो मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, कॉपर या फिर मैग्नीज, तो मैग्नीज सही है। लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन, कौन से होते हैं जिसमें रिवॉर्ड मिल रहा होगा? तो वही है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड। द मोमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिया है, एंड देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है बेटा याद रखिएगा।
आगे आ जाइए 118। द थिकनेस ऑफ ओजोन कॉलम इन एयर एटमॉस्फेयर मेजर्ड इन एनसीईआरटी में गिवन है, डॉप्सन यूनिट होती है। अपॉन एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन डीएनए स्टैंड विद एथिडियम ब्रोमाइड विल शो, सबको पता है, कई बार मैंने शॉर्ट्स में भी करवा के रखा है, ब्राइट ऑरेंज कलर दिखाई देता है। ये क्वेश्चन हर साल आता है, पता नहीं क्यों। अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ द डीएनए ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वॉज फर्स्ट प्रूव्ड बाय, किसने सबसे पहले बता दिया था, तो किनका माना जाता है, हर्शी एंड चेज, इनका माना जाता है। इन टिश्यू कल्चर द एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म द कैलस, को बनाने के लिए द फिनोमिनोम इज कॉल्ड, जब भी कोई चीज़ दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं तो डी डिफ्रेंशिएशन। असम्पशन रीजन आ गया। एटीपी इज यूज्ड इन द टू स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, बात सही है असर्शन। द फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड द सेकेंड एटीपी इज यूज्ड कन्वर्टिंग द फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ठीक है, दोनों के दोनों असर्शन ठीक हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है कि इसमें एनटीए किसको मानता है, ये दोनों एक तो जो एटीपीज हैं वो एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, यूज वाला ही बात नहीं है आई है यहाँ पे, तो हिसाब से तो ये होना चाहिए कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये होना चाहिए, लेकिन एनटीए का एक बार मैच कर लीजिएगा, हो सकता है ये वाला भी उनके लिए सही बैठ रहा हो। ओके, भाई एनटीए का ही माना जाएगा। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एट विच सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज, किस में होती है, मायोसिस सेकंड में, सबको पता है ना, पेकाइटिन स्टेज आप याद रख लीजिए, इधर से भी चलेंगे आप। एक्साइल प्लेसेंटेशन जो होता है किस में ऑब्जर्व होता है, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन हमारे चाइना रोज, पिट्यूनिया और लेमन में होता है। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इजकल टू एनपीपी, तो इसमें क्या पूछा है, आर, तो ये कई बार एक क्वेश्चन आया है आपका 124 वाला, रेस्पिरेटरी लॉस होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन तो नहीं है भाई। इधर भी देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन प्रोमोट द इंटरनोड एंड पेट्यूल एलोंगेशन डीप सी इन डीप वाटर राइस में, तो आपका क्या होता है, इथाइलिन, याद रखिएगा इस चीज को। ये सबको पता होगा, द फिनोमिनम ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म, प्लियोट्रॉपिज्म रिफर टू द सिंगल जीन अफेक्टिंग द मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, है ना, ये ऑप्शन सही है। ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल गेट प्रेसिपिटेटेड डीएनए, सोचना ही नहीं होता है इसमें, है ना। 127 इन एंजियोस्पर्म द हैप्लोइड डिप्लोइड एंड ट्रिप्लोइड, ही मैंने परसों क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को अगर याद होगा, ये है एससीआरटी एग्जाम्पलर से, हैप्लोइड एन टू एन एंड थ्री एन होना चाहिए। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक इज सिक्वेंशली आर, कौन कौन से हो गए आपके, सिनर्जिट्स जाइगोट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सिनर्जिट्स, जाइगोट कहाँ पे आ रहा, एन ट्यू एन एंड थ्री एन, यही हो गया, तो सेकंड ऑप्शन सही बैठ गया आपका, इटालियन तक हो गया था। 130 पे आ जाइए, असर्शन रीजन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस प्रोटोनिमा स्टेज, असर्शन इज करेक्ट है, द प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्ट्स प्रोड्यूनिना कैप्सूल, दोनों के दोनों सही हैं, असर्शन इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका ये। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द मैप एंड देयर पोजिशन वॉज यूज फर्स्ट टाइम, हर्षे उनके क्या बोलते हैं आपके थॉमसन हंट मॉर्गन के जो स्टूडेंट था उसने ये करके दिखाया था, अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट। वन थर्टी टू पे आ गए अपन, द फैमिली फेबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी लिलीएसी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेमन, पिक द आउट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फेबेसी बट नॉट फाउंड इन द सोलेनेसी और लिलीएसी, तो डाइडेल्फस डाइथिकस एंथर, ये ऑप्शन सही है आपका, जिसने भी किया होगा वो उसका सही है। हाउ मैनी ATPs and NADPH2 are required for the synthesis of one molecule of glucose during the Kelvin cycle में, है ना, तो 18 ATP and 12 ADP लगते हैं, ये वाला याद रखिएगा, NCERT में गिवन है। इधर भी देखते हुए चलिए, पास में ही है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कीमो ऑस्मोसिस। तो याद रखिए, कीमो ऑस्मोसिस में आपका मेम्ब्रेन होना चाहिए, प्रोटॉन पंप होना चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, एटीपी सिंथेज होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन सही हुआ जाकर के इसका। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ? एनसीईआरटी में गिवन है भैया, 40 पे किसने टिक कर दिया? ये 80 पे है, 138 पे आ जाइए। द गिवन बिलो टू स्टेटमेंट वन लेवल असर्शन रीजन पूछा है। द फ्लोरल इज डिफाइंड एज द मॉडिफाइड है, यहाँ पे देखिए, शूट विद इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल प्रिमोर्डियम। असर्शन सही है। इंटर नोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस टू प्रोड्यूस द डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली सक्सेसिव नोड्स एंड इंस्टीड ऑफ लीव्स। तो असर्शन और रीजन इसका जो है आपका सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वन थर्टी नाइन पे आ जाइए, ये मैचिंग आ गई आपकी। वन थर्टी नाइन एम देख लीजिए, आपका इक्वेशनल डिवीजन जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर पे टिक कर लीजिए आप, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। आपका सेकंड ऑप्शन इसका बनेगा जाकर के। वन थर्टी फोर एक्सप्रेस्ड, ये मैंने करवाया था शॉर्ट में, ई एस टी रिफर्ड एज ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आर एन ए, ये होता है भैया स्टेटमेंट। एंडार्च एंड एक्सार्च, आर टर्म्ड यूज फॉर द डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। एक्सार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। तो ये बना जा करके, फर्स्ट जो है वो तो इनकरेक्ट है, बट सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है आपका। इधर के कर लिए हैं अपन ने, तो आगे बढ़ते हैं। द मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ आर डी एन ए, अरेंज दीज स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द सिक्वेंसेस। सबसे पहले क्या करते हैं आप, कटिंग द, सबसे पहले होता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट, है ना, ये होगा। फिर कटिंग द स्पेसिफिक सी बी डी ए देख लीजिए कहाँ पे है, 140 का सेकंड, साथ में ये भी कर लीजिए। मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, याद रखिएगा। गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो दिया है ना, वो पूरा का पूरा छाप दिया है यहाँ पे और वो करेक्ट है। इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली, नहीं बल्कि कार्निवोर्स, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट हुआ आपका एंड सेकंड इज फॉल्स हुआ है, ये देखिए गॉस, ठीक है। एक सौ चौवालीस की जो मैचिंग है उसका ऑप्शन देख लीजिए आप। वन फोर्टी फोर ऑप्शन बना जा करके थर्ड, नोट कर लीजिएगा ये वाला। आगे आ जाइए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, अपन को जस्ट पेपर मैच करना है। 142 का फोर्थ वन मैच कर लीजिएगा। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम्स के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, बीज स्टराइल ओवर द मस्कुलाइन, ये सही है। अफेक्टेड शॉर्ट सैचर्ड, ये वाला होना चाहिए, बी एंड ई ओनली। ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पहला वाला ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, यहाँ पे इम्प्रूव नहीं होना चाहिए भैया, घटा देता है, खराब कर देता है क्वालिटी। गिवन टू स्टेटमेंट असर्शन रीजन, ऐसी तैसी कर दी असर्शन रीजन और स्टेटमेंट पूछ पूछ करके, क्योंकि बच्चों को हमारे। इन जिम्नोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम कैरीड आउट बाय एयर करंट, सही है। एयर करंट और पोलन ग्रेन्स
माउंट आर्किगोनियम मिल गया, मिड डिस्चार्ज पोलियन ट्यूब इज नॉट फॉर्म, तो ये तो गलत हो गया आपका भाई, सही। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 147 इधर वाला आ जाइए, 148 पे, आयरन कहाँ टेक पार्ट कर रहा है, 148 का सेकंड है, मैच कर लीजिएगा आप लोग अपना। वन फोर्टी नाइन का देख लीजिए आप, सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा ये तो, 149 का फर्स्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसका भी आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है कौन कौन से सही हैं आपके, फर्स्ट वाला सही है, ए एंड डी। ये टेक्निकल टर्म है, यहाँ पे नॉन टेक्निकल है, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा आप लोग, गलत है वो, और करेक्ट पूछें आपसे, जूलॉजी सेक्शन पे अपन आ चुके हैं। 151 से 185 तक हैं अपने। वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस इंटर द सीकम देयर बैक फ्लो कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो इलियोसीकल वॉल्व होता है, ये पता होना चाहिए आपको आसानी से। 152 इन विच ऑफ द इन विच ब्लड कॉर्पसेल्स एच आई वी अंडरगोज रेप्लिकेशन, T4 सेल्स याद है ना, ब्रॉड पॉम विद सिंगल पॉम सीजेस विजिबल अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज कम्प्लीटली क्योरेबल वेन डिटेक्टेड अर्ली स्टेजेस के ऊपर, तो गोनोरिया निजेरिया से होता है, याद रखिएगा। मैचिंग आ गई फिर से, ये बहुत सिंपल मैचिंग थी, पूरे नीट के पेपर में सबसे ज़्यादा सिंपल थी, लेपर्ड एंड लॉयन कॉम्पिटिशन होता है, कोको एंड क्रॉस के ब्रूट पैरासिटिज्म है, फंगाई एंड रूट के में म्यूचुअलिज्म होती है, कैटल में कमेंसलिज्म होता है, तो ए बी सी डी कहाँ पे दिया गया देख लीजिए, फोर्थ वन में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये वाला। 156 का सेकंड वाला है, मैच कर लीजिएगा आप अपना, तेज कर रहे हैं आसानी से बच्चे के, हमारा टाइम ना वेस्ट हो। अ प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन ऑफ लेफ्ट रिप्रेजेंटेड इन द सी टर्मिनल, नहीं है तो एन टर्मिनल होता है, यहाँ पे गलत हो गया ये वाला पॉइंट, है ना, जस्ट अपोजिट हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है आपका। ठीक है, तो देख लीजिए ये वाला ऑप्शन बना जा करके, गिवन बिलो द आरएनए म्यूटेट फास्टर रेट, सही है, आरएनए वायरस है जीनोम शॉर्टर लाइफ स्पेंस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, चौथा ऑप्शन बना जा करके आपका। 158, 159 और वैसेक्टोमी आपका क्या होता है, सर्जिकल मेथड है, क्वार्टस इंटरप्टस नेचुरल मेथड है, सर्विकल कैप्स बैरियर मेथड हुए, और सहेली आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हुई, तो ये बना जा करके आपका फर्स्ट वाला देख लीजिए, सिंपल था, सी का सेकंड है ना और डी का फर्स्ट है, ओके। ये भी देख लीजिए, रिंग वॉर्म ट्राइकोफाइटॉन से होता है, तो ए का सेकंड ढूंढिए, सबसे पहले दो जगह पे दिया गया है, लेकिन निमोनिया हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से हो रहा है, तो डी का फर्स्ट होना चाहिए, कहाँ पे है डी का फर्स्ट, ये वाला ये बना। 161 का मैच जो परफेक्ट बैठता है आपका, वो फोर्थ वन का ऑप्शन बैठ रहा है, F4 सेट में अपने। 'Vast difference received the duct from the seminal vesicle open into the urethra' स्टेटमेंट दिया गया, जब सही है, कैविटी ऑफ सर्विकल कार्ल वेजाइना फ्रॉम द वर्थ कैनाल, ये भी सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं अपने वो सही हैं बेटा। दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज,
फॉर द अर्ली ट्रीटमेंट के लिए कौन सी है? तो सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। बाकी सब अर्ली डिटेक्शन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, प्रॉक्सीजोम नहीं है। तो ए सी ई जहाँ पे होंगे वो नोट कर लीजिए आप लोग। 165, 165 की जो मैचिंग है वो आपकी बनती जा करके है। एक देख लीजिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, पेन किलर, हीरोइन जो है, मॉर्फिन जो है वो आपकी पेन किलर होती है। और डी का थर्ड देख लीजिए कहाँ पे है, डी का थर्ड ये लास्ट दिया गया सबसे, है ना? तो ये वाला ऑप्शन आपका सही बैठ जाएगा। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम एंड टेम्पोरली इनएक्टिव द स्टेट एंड द डायनेमिक हाई टेम्परेचर डी नेचर सही है। व्हेन द दोनों स्टेटमेंट सही हैं बेटा ये, तो इसका बना जा करके 166 का फोर्थ ऑप्शन। 167 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरीड आउट बाय साइटोस्केलेटन? तो इसमें एनसीईआरटी में मेंशन है ये चीज़, मोटिलिटी। लिगामेंट इज अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव, इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर होते हैं यहाँ पे, ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, कार्टिलेज इज अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो 168 का फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट आंसर दोनों के दोनों गलत हैं। मैचिंग आ गई है आपकी 169 की। 169 की जो कार्टिलेजेनियस पूरी मैचिंग है उसका आंसर, ये बीच में नंबर बेटा खुद ही दिया है इन लोगों ने बीच बीच में ना, तो उसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो परफेक्ट बैठ रहा है बच्चों, मैच कर लीजिएगा अपना। डी का थर्ड बैठा जा करके, क्योंकि सेडल ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स थंब में होते हैं। ये PYQs मैंने करवाया है, शॉर्ट्स में भी फिर से पूछ दिया उन्होंने। 170 का फर्स्ट वाला ऑप्शन देख लीजिए, डी का फर्स्ट, ऐसे ही पता चल जाएगा आपको। जेड क्या कर रहा था? बीटा गैलेक्टोसिडेज, यहीं से पता चल रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स एंड ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में, रिलेटिव में कंसेगेन मैरिज जिसको बोला जाता है? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट बैठा जा करके आपका। एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस असर्शन तो ट्रू है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटम डीजनरेट्स कॉजेज द, दोनों के दोनों सही हैं। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। असर्शन रीजन फिर से, नेफ्रॉन आर टू टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रा सही है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव ए शॉर्टर लूप एंड हैन कॉर्टिकल लूप्स हैव ए लॉन्गर लूप्स, ये रीजन जो दिया गया है ठीक है, ये सही नहीं दिया गया है। 173 का सेकेंड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड, किसमें नहीं पाई जाती है? और एडल्ट पूछा, एडल्ट फाइलम में देखिए, हेमिकॉर्डेट्स में नहीं पाई जाती बेटा। फिर से मैचिंग आ गई है आपकी। 175 का फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, ये करेक्ट बैठेगा जा करके, क्योंकि सी का फोर्थ जो जा रहा है ये वाला वो कहीं नहीं दिख रहा, वो सिर्फ यहीं दिख रहा है। पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई बॉल एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स आर अब्सेंट, ब्लाइंड स्पॉट होता है। 176, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? बायो मैग्निफिकेशन रिफर टू इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, तो यही वाला ऑप्शन जो है आपका बेटा सही है ना? वन सेवेंटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल? इसमें से जो ऑप्शन आपका बना जा करके 177 का थर्ड बना जा करके, इज बी सी ओनली, है ना? ए इज करेक्ट है, ये भी फर्स्ट मेंट्री, ए
पूछा कौन सा है? करेक्ट पूछे है ना। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगेंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनोपॉज। नहीं, ये तो गलत हो गया है ना। तो ए सी डी ओनली बना जा करके आपका ये वाला, ए सी एंड डी। लैका मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी सही है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हाँ सही है, ए सी डी। प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज, जहाँ पॉजिटिवली चार्ज और डीएनए की बात कर दी, ये तो गलत हो गया। इन यूकेरियोट नेगेटिवली चार्ज, ये सही हो गया आपका। 178 का थर्ड वाला ऑप्शन, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज ट्रू। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन मर्सुबियल एग्जिबिट द एडाप्टिव रेडिएशन जो शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। मैच द फॉलोइंग, पूरी मैचिंग आप करेंगे तो आपको ऑप्शन मिले जगह जा करके। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है, डी का फर्स्ट जाएगा। नेफ्रीडिया ये कहीं नहीं दिख रहे हैं, देखो आपको फेरेटिमा में होते हैं ना, केचुए में। एमनियोसेंटेसिस, इस क्वेश्चन पे जो है बेटा थोड़ा सा डाउट हो रहा है सबकी, मैंने देखी भी हैं, पता भी क्या है, नेट पे भी सर्च किया है, लेकिन इस पे डाउट हो रहा है कि इसको एनटीए क्या मानता है। एमिनोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, की क्या ये स्ट्रेटजी है ना। बैन ऑन, ये तो सही है, रीजन तो सही जा रहा है, लेकिन असर्शन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं होगा, ये दिक्कत दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डाउट में रखते हैं कि क्या कहना चाहेगा एनटीए 181, और जिसको बेहतर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दे, है ना। एनटीए क्या इसमें सोच रहा है, अभी एलन की आना बाकी, आकाश की आंसर की आना बाकी है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बोथ आर एंड ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कुछ लोग कह रहे हैं बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। गलत जानकारी अब तक नहीं जानी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वैक्टर, इसमें से कौन सा क्लोनिंग वैक्टर नहीं है, तो प्रूव नहीं होता है, पता है बाकी सारे हैं। गिवन बिलो 183, 183 का सेकेंड, इलेक्ट्रोप्रेसिपिटेटर इज मोस्टली वाइडली यूज थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, लेकिन वो आयोनाइजिंग रेडिएशन को रिमूव नहीं करता, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज फॉल्स। फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया है बेटा 184 का, 184 का फोर्थ है बेटा, नोट कर लीजिएगा, अपनी मैचिंग करके देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ए का थर्ड, टीवीएफ का रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये एनसीईआरटी में गिवन है इतना। वाइटल कैपेसिटी जो होते आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी, तो ये याद रखिएगा, मैंने शॉर्ट्स में भी कराया है क्वेश्चन, कई बार आया भी है। ड्यूरिंग जी नॉट फेज सेल साइकिल मेटाबोलिकली इनएक्टिव एक्टिव होती है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेंट्रोमेयर अंडरगोज डुप्लीकेशन, ये वाला सही है। 186 का थ्री वाला है। 187 द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन द सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन एक्साइटमेंट प्लीजर रेज फियर एक्सेट्रा, लिम्बिक सिस्टम, ये इमोशन से करेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन कौन सी एक्सक्रीशन करती हैं, ठीक है, तो यूरिकोज करती है, फैट बॉडी करती हैं, नेफ्रोसाइट करती हैं, तो बी सी डी कहाँ पे दिया गया है। वन एट्टी नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड 189 का देख लीजिए आप लोग, फर्स्ट वाला बी सी डी ओनली है आपका सही। ये सही है, ये सही है, ये सही है, बाकी सब गलत हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो नॉट लगा है एडवांटेज पूछा, तो इट डिक्रीजेज, बल्कि इंक्रीजेज होना चाहिए यहाँ पे, तो एडवांटेज नहीं है, डिक्रीजेज द होमोजाइगोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल, करेक्ट बी एंड सी ओनली, कौन सा हुआ, बी एंड सी ओनली, मैच कर लीजिएगा अपना। ये सबसे सिंपल था, अगर कोई ने ध्यान दिया हो। लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है जब अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल होते हैं कंडीशन में, तो बी का फर्स्ट देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है आपका, बी का फर्स्ट एक ही जगह पे दिया गया है,
वो है फोर्थ वन, 192 का फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस करेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्टैंड दिया है बच्चों आपको, इफ द सीक्वेंस, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इफ द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए फाउंड एज फॉलो, 5' to 3' AU, है ना, कोडिंग स्टैंड डीएनए का पूछा है, तो 5' वहाँ पे यू की जगह पे क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाता है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका बना जा करके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट हैं, इसमें से जो जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं, तो आपका बेजोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द टोटल ऑफ आरबीसी, ये तो गलत हो गया। बेजोफिल सेक्रेट हिस्टामाइन, ये सही है। बेजोफिल इन्वॉल्व द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ये सही है। 194 का सेकेंड वाला ऑप्शन बी एंड सी ऑनली, ज़्यादातर बी एंड सी बहुत सही है। मैचिंग आ गई फिर से, 195 का सेकेंड आप लोग मैच कर लीजिएगा अपना, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। सेकेंड वाला ऑप्शन है राज का, ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी थर्ड, ठीक है, डी का थर्ड, ये कोई बार डेलीबिथिलियम, और ये आपका स्पेशलाइज्ड है, और ये दो जगह पे दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को जो प्रेजेंस करता है, दो एनल स्टाइल्स में रहते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ थायराइड, इसमें से कौन सा है जो अंडर कंट्रोल नहीं है थायराइड के, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट, 197 का सेकेंड आपका सी एंड डी, ये, एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में कोई डायरेक्ट टेक पार्ट इसका नहीं होता है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इन्होंने 198 का, बी एंड डी देख लीजिए फिर से सही है। ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट एंड न्यूक्लियोलस गॉल्गी बॉडी ये रिफॉर्म होते हैं, टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिंग नहीं, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस सिस्टर क्रोमेटिन नहीं, बाकी ये बी एंड डी आपके सही हैं बेटा। द यूनिक मेमेलियन करेक्टरिस्टिक्स आर हेयर पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड, ये टिक है तो पहले से ही टिक है तो ये सही भी है। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 200। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है उन्होंने, प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड डॉर्सल डबल नॉट, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉर्डेट्स के रिगार्डिंग पूछा है, कॉर्डेटा, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये तो होता है इसमें, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंगल गिल स्लिट्स होते हैं भैया, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नहीं वेंट्रल होता है ये हो गया, ट्रिपल ऑफ सुडोसलोमेर नहीं होते, तो बी एंड सी ऑनली। ये कंप्लीट हुआ बच्चों अपना पेपर, हो सकता है एक आधे क्वेश्चन के आंसर इधर से उधर हो क्योंकि बहुत जगह से मैच किया है मैंने, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी लगभग लगभग आपको दिखती हुई नज़र आएगी। जो भी आपको लगता है कि आंसर इसका ये होना चाहिए सर, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो रहा हो। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ओके, तो जल्दी से शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से टॉप कर लें।